एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गाजर फ्रीज करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि जब सीजन ऑफ हो जाता है, यानी गर्मी के अंदर, हमें गाजर उस तरह की नहीं मिलती जैसे कि सीजन में मिलती है। गाजर जो है एक हेल्दी फूड के अंदर आती है, इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और सब्जी भी बनाते हैं, लेकिन फ्रेश गाजर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी भी है। लेकिन गर्मी के अंदर हमें फ्रेश टेस्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए आज मैं गाजर को फ्रीज करना सिखाऊंगी कि गाजर को फ्रीज कैसे करें ताकि आप गर्मी के अंदर भी फ्रेश गाजर का टेस्ट ले सकें। तो मैंने फिलहाल ये चार गाजर को अच्छे से धो के सुखा लिया है। सबसे पहले गाजर को इस तरह से छील लेना है, इसे हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लेना। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से पतली पतली गाजर काट के लंबाई के अंदर इस तरह काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो गाजर को इस तरह से गोल भी काट सकते हैं। आप चाहें तो हाफ करने के बाद इसको इस तरह भी काट के रख सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे पीसेस काट सकते हैं। मैंने गैस पे पानी बॉईल करना रख दिया है, जितनी देर में हमारा पानी बॉईल होगा उतनी देर के अंदर हम गाजरों को काट कर तैयार कर लेते हैं। यह हमारी गाजर कट चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम कटी हुई गाजर डाल देंगे। आपने इस गाजर को 2 या 3 मिनट के लिए बॉईल करना, ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना, क्योंकि गाजर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। हमारा पानी जो है बॉईल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इस पानी को हम छान देंगे। अब इन गाजरों को हम ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर हमने आइस क्यूब्स डाली हैं। आइस क्यूब्स हमने इसलिए डाली हैं ताकि जो गाजरों का कलर है वो सेम ऐसा ही रहे। गाजरों को इस ठंडे पानी के अंदर 5 मिनट के लिए पड़े रहने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इस पानी को हम इस तरह से छान देंगे। क्यूब्स हम निकाल देते हैं बीच में से, पानी को अच्छे से छान देना। छानने के बाद हमने गाजर को एक प्लेट के अंदर डाल दिया इस तरह से। इसके अंदर से हम क्यूब्स जो हैं वो निकाल देंगे। अब हमने इसको एक पॉलिथीन के अंदर डाल देना है। पॉलिथीन आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आप सिंपल लेते हैं तो आप उसके ऊपर रबर चढ़ा सकते हैं, और अगर आप जिप वाली लेते हैं तो जिप लगा सकते हैं। मतलब कि पॉलिथीन को बिल्कुल बंद करना है ऊपर से। आप देख रहे हैं कि गाजर का जो कलर है वो कितना रेड है। इसके अंदर डालने के बाद इसकी एयर को हमने निकालना है। ये हमें ध्यान में रखना है कि इसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए। अब इसकी टेप को हम हटा देते हैं, ऐसे हमने इसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए। एयर जो है वो पूरी तरह से निकल चुकी है, इस तरह से हमने इसको सील कर दिया है। आप कोई भी पॉलिथीन यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पॉलिथीन यूज़ करनी है। इसको हमने फ्रीज़र के अंदर रख देना है। इसे आप चाहें तो साल तक आप फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। इसका आपको टेस्ट एज इट इज़ फ्रेश टेस्ट जैसे होता है वैसे ही लगेगा। मैंने पहले आपको मटर भी फ्रीज करने बताए थे, आज मैंने आपको गाजर फ्रीज करनी बताई है, और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी कि बाकी सब्जियों को भी कैसे फ्रीज करके रखना है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।